हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रजनी और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी चैनल नेक्स्ट माइल लाइफ पर। आज हम करने वाले हैं एक बेहद ही दुखद खबर को लेकर बात। दरअसल आज ही के दिन एक ब्रेकिंग न्यूज आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। आप सभी को याद होंगे स्वामी ओम, वही स्वामी ओम जो बिग बॉस के 10वें सीजन में बतौर कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए थे, लेकिन अब इन्हीं स्वामी ओम के जाने की खबर सामने आ चुकी है। खबर सामने आई है कि अब स्वामी ओम हमारे बीच नहीं रहे, यानी कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वामी ओम का आज ही के दिन निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद, उनके निधन के ठीक बाद उनसे जुड़ी कई खबरें सामने आ रही है। और ऐसे में खबर सामने आई है स्वामी ओम की बीमारी से लेकर उनके उन विवादों को लेकर, जिन विवादों के चलते स्वामी ओम की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। क्या थी वो गलती जिसकी वजह से स्वामी ओम की जिंदगी पूरी तरह से तबाह या बर्बाद हो गई, देखिए ये रिपोर्ट। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 10 में नजर आ चुके स्वामी ओम का आज निधन हो गया। बता दें कि काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी स्वामी ओम की। उन्हें एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन खबर आज सुबह की है कि स्वामी ओम का निधन हो गया। खबरों की मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी ओम को पैरालिसिस हो गया था और जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे। स्वामी ओम ज़्यादातर कॉन्ट्रोवर्सी से ही जुड़े रहे। आपको बता दें कि स्वामी ओम साल 2017 में बिग बॉस में नजर आए थे। इस सीजन में उनकी वजह से काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। इस शो में वो कई बार अपनी लिमिट क्रॉस कर दिया करते थे, लेकिन बिग बॉस के इस सीजन 10 में रोहन मेहरा और बानी जे ने के साथ भी काफी बड़ा झगड़ा हो गया था स्वामी ओम का, और यही वजह थी कि जबरदस्ती उन्हें घर से निकालना पड़ा। बाद में दावा किया गया था कि इस बात का कि सलमान खान ने स्वामी ओम को थप्पड़ मारा था। बिग बॉस में जाने के बाद कई हिंदू संगठनों ने स्वामी ओमकार का बहिष्कार भी कर दिया था। बता दें कि स्वामी ओम ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली लोकसभा चुनाव सीट से भी लड़े थे। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिंदू विरोधी रवैये के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि स्वामी ओम का जन्म 24 दिसंबर 1957 को हुआ था। स्वामी ओम एंथ्रोलॉजी में पीएचडी की थी। टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी ओम ने एक एस्ट्रोलॉजर को थप्पड़ मारा था और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ गई थी। आज हम आपको स्वामी ओम से जुड़े और भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज बताएंगे। दरअसल सबसे ज़्यादा लोगों को हैरानी तब हो गई थी जब स्वामी ओम ने खुद को भगवान बता दिया था और कई दिनों तक खुद को भगवान कहकर लोगों के पास अजीब तरह का व्यवहार करते नजर आए, और इसी व्यवहार की वजह से स्वामी ओम काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। बिग बॉस के घर में रहते हुए स्वामी ओम एक टास्क चल रहा था और टास्क के बीच स्वामी ओम ने मनवीर से कुछ ऐसा कह दिया जिस पर मनवीर ने स्वामी ओम से 100 रुपए की मांग कर दी। बता दें कि स्वामी ओम ने बीच शो में ही कुछ ऐसी घटिया हरकत कर दी जिसकी वजह से स्वामी ओम को घर से बाहर निकालना पड़ा। बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब उत्तर भारत में भयानक भूकंप आया था और उस वक्त स्वामी ओम ने एक वीडियो में ये बात कही थी कि ये भूकंप इसलिए आया है क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर स्वामी ओम के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत बिहेवियर किया गया। स्वामी ओम ने कहा था कि मेरे शिव भक्त होने की वजह से सोमवार को ये धरती हिली है। भगवान शिव इस बात से नाराज़ हैं, बिग बॉस में लोगों ने मेरे साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया है। स्वामी ओम ने भले ही बिग बॉस में जाकर नाम कमाया हो, लेकिन बाहर आने के बाद भी उनका नाम कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ा रहा। यहाँ तक कि सलमान खान को स्वामी ओम ने ISI का एजेंट भी कह दिया था। जी हाँ, स्वामी ओम ने दावा किया था बिग बॉस के घर के अंदर जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा था तब सलमान खान को उन्होंने थप्पड़ मारा था। बता दें कि बिग बॉस से भी पहले साल 2008 में स्वामी के छोटे भाई प्रमोद झा ने आरोप लगाया था कि उनके भाई बाबा ओम जी ने लोधी कॉलोनी के पास साइकिल की दुकान का ताला तोड़कर 3 लोगों की मदद से 11 साइकिलें, महंगे स्पेयर पार्ट्स, घर के कागजात चुरा लिए थे। इसके बाद एक टीवी न्यूज में डिबेट के दौरान
एंकर ने जब स्वामी ओम से सवाल किया और पूछा बिग बॉस को लेकर, तब स्वामी जी इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपने सामने रखा पानी का गिलास उस एंकर के ऊपर फेंक दिया। आपको ये बात भी याद दिला दे, जब साल 2017 में जब गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को बिग बॉस के चर्चित स्वामी ओम को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। दरअसल स्वामी ओम ने याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते समय सीजीआई से सिफारिश क्यों ली जाती है। इसी पर सीजीआई खेहर और जस्टिस डिवार चंचूड ने बेंच के सामने ये केस आया तो कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन स्वामी ओम ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। वो बिग बॉस के जरिए पहले ही पब्लिसिटी पा चुके थे। इस मामले में बीते साल कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगवाया था, जिसके चलते 8 हफ्ते में स्वामी ओम ने 5 लाख रुपए की ही रकम जमा करवाई। ऐसे में आपको बता दें कि स्वामी ओम के निधन के बाद खुद स्वामी ओम के दोस्त मुकेश जैन के बेटे ने अर्जुन जैन के बारे में ये बात बताई थी और कहा था कि 15 दिन पहले ही पैरालिसिस हो गया था स्वामी ओम को, जिसके बाद से स्वामी ओम की काफ़ी ज़्यादा हालत बिगड़ गई थी और आज सुबह उनका निधन हो गया, जिसके चलते काफ़ी लोग सदमे में हैं। तो ये है पूरी खबर स्वामी ओम को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइव से रोशनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह स्वामी ओम की गलतियों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से उन्हें कितनी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई कॉन्ट्रोवर्सीज में सामना नाम भी उनका सामने आया था। और इसी के साथ बिग बॉस के 10वें सीजन में सलमान खान भी स्वामी ओम से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने खुद कलर्स टीवी को कहकर ये बात कही थी कि स्वामी ओम को इस शो से बाहर निकालो वरना मैं इस शो को होस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये थे स्वामी ओम से जुड़े वो कॉन्ट्रोवर्सीज जिन्हें लेकर अब हो रहे हैं बड़े बड़े खुलासे उनके जाने के बाद।